नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 से 8 लाख के अंदर आने वाली उन हैचबैक कारों के अंदर में जिन्होंने इंडियन कार मार्केट पे पिछले कुछ समय से काफ़ी दबदबा बना रखा है। ये एक वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो लोग कि हाल फिलहाल में नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं या नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस सेगमेंट के सबसे पहली गाड़ी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस सेगमेंट की जो पहली गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी वैगनार। इसके अंदर में हमें दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, पेट्रोल और प्लस CNG। तो पेट्रोल की सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें 1.2 लीटर का हमें इंजन मिलता है जो कि 82 BHP पावरफुल है और 113 Nm टॉर्क की है। यह इंजन हमें 20.52 किलोमीटर्स की माइलेज ऑफर करता है। और इसके अगर CNG की बात की जाए तो ये 58 BHP पावरफुल और 78 Nm टॉर्क की है। इसमें हमें 32.52 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर होती है। साथ ही इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 5.19 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 6 लाख रुपये एक शोरूम प्राइस तक जाती है। इसके बाद दूसरी गाड़ी जो है मारुति की सिलेरियो, इसमें भी अगेन दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर पेट्रोल इंजन की बात की जाए 1 लीटर की तो 67 BHP पावरफुल है और 90 Nm का इसमें टॉर्क की हमें 21.60 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ऑफर करता है। साथ ही अगर CNG की बात की जाए तो ये 58 BHP प्लस 78 Nm टॉर्क की हमें 30.47 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर करता है। इसी के साथ इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 4.46 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 5.72 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस तक की हमें मिल जाती है। साथ ही अगली गाड़ी की बात की जाए तो हुंडई की सेंट्रो, इसमें भी हमें पेट्रोल प्लस CNG दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो ये 68 BHP पावरफुल है और 99 Nm टॉर्क की है जिसमें हमें 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर होती है। इसी के साथ अगर CNG की बात की जाए तो ये 58 BHP पावरफुल है और 85 Nm टॉर्क की है। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो इसमें हमें 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर होता है CNG में। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 4.64 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 6.32 लाख रुपीज़ एक शोरूम तक इसकी प्राइसेज जाती है। इसी सेगमेंट की अगर मैं अगली गाड़ी की बात करूँ, टाटा टियागो, ये भी हमें पेट्रोल वेरिएंट में ऑफर की जाती है। 1.2 लीटर मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों में मिलती है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर का इंजन 84 BHP पावरफुल है और 113 Nm टॉर्क की है। अगर इसके मैं माइलेज की बात करूँ तो 90.8 किलोमीटर पर लीटर की इसमें हमें माइलेज ऑफर की जाती है। अगर इसके प्राइसेस की बात की जाए तो ये 4.70 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 6.74 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइसेज जाती है। ये इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी है अभी जो हमने तीन गाड़ियाँ देखी उसके कंपैरिजन में। अगली गाड़ी की बात की जाए तो अगेन हुंडई के i10, ये भी हमें पेट्रोल प्लस CNG दोनों में मिलती है। साथ में हमें इसमें डीजल वेरिएंट भी ऑफर होता है। तो मैं पेट्रोल की बात करता हूँ तो इसमें 1.2 लीटर का इंजन 82 BHP पावरफुल और साथ ही अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो 114 Nm टॉर्क की है। ये हमें 21 किलोमीटर की माइलेज ऑफर की जाती है। और अगर इसी के साथ में इसके डीजल वेरिएंट की बात करूं तो ये 74 BHP पावरफुल और 190 Nm टॉर्क है जिसमें हमें 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज होती है। साथ ही इसके प्राइसेस के बाद 5.13 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 8.36 लाख रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है मारुति स्विफ्ट, इसमें भी हमें पेट्रोल 1.2 लीटर का इंजन मिलता है मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के अंदर में। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर का इंजन 82 BHP पावरफुल है और 113 Nm टॉर्क की है। इसके अंदर हमें जो माइलेज ऑफर की जाती है वो है 21.21 किलोमीटर की। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो ये 5.19 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 8.02 लाख रुपीज़ तक जाती है। मारुति की स्विफ्ट गाड़ी इस समय अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कार है इस सेगमेंट की। इसके अलावा अगर अगली गाड़ी की बात की जाए तो फोर्ड की फिगो, ये भी हम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन प्लस 1.5 लीटर डीजल इंजन में मिलने में ऑफर की जाती है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इसका 1.2 लीटर का इंजन 95 BHP पावरफुल है और 119 Nm टॉर्क की है। इसका माइलेज हमें इसमें 18.5 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। अगर इसके डीजल इंजन की बात की जाए तो वो 99 BHP पावरफुल और 215 Nm टॉर्क की है जिसके अंदर हमें 24.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर होता है। इसकी प्राइस 5.49 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 8.15 लाख रुपीज़ एक शोरूम तक जाती है। अगली गाड़ी हुंडई i20 है जो रिसेंटली लॉन्च हुई, इसमें हमें 1.2 लीटर पेट्रोल प्लस 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो ये 82 BHP पावरफुल और 115 Nm टॉर्क है जिसमें हमें 20.35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। वहीं डीजल की बात की जाए तो ये 99 BHP पावरफुल है और 200
40 NM टॉर्की है, जिसमें हमें 25.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। इसकी अगर प्राइसेस की बात की जाए तो 6.80 रुपीस से लेके 11.33 लाख रुपीस तक जाती है। इस सेगमेंट की अगर अगली गाड़ी की बात की जाए, टाटा एल्ट्रो जो सबसे सेफेस्ट कार है, इसमें हमें पेट्रोल प्लस डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो ये 85 BHP पावरफुल और 113 NM टॉर्की है, जिसमें हमें 19.05 किलोमीटर की माइलेज ऑफर होती है। साथ ही अगर इसके दूसरे इंजन की बात की जाए 1.5 लीटर का, तो वो मैनुअल ट्रांसमिशन में 89 BHP पावरफुल और 200 NM टॉर्की है। इसमें हमें जो माइलेज मिलती है वो है 25.11 किलोमीटर पर लीटर की। अगर इसके प्राइस देखे जाए तो ये 5.44 लाख रुपीज़ से स्टार्ट कर 9.09 लाख रुपीज़ एक शोरूम तक जाती है। इस सेगमेंट की अगली गाड़ी है मारुति नेक्सा की बलेनो। यह हमें 1.2 लीटर मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में ऑफर की जाती है। इसके अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 1.2 लीटर का इंजन हमें 82 BHP पावरफुल है, और अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो 113 NM टॉर्क की है। जो हमें माइलेज इसमें मिलती है 21.01 किलोमीटर की मिलती है। इसी के साथ अगर हमें इसके दूसरे वेरिएंट की बात की जाए तो उसमें हमें जो माइलेज ऑफर की जाती है वो 19.56 किलोमीटर की है ऑटोमेटिक वेरिएंट में। इसकी जो प्राइस है वो 5.70 लाख रुपीस से लेकर 9.03 लाख रुपीस एक शोरूम तक जाती है। इस सेगमेंट की अगली गाड़ी है वॉल्सवैगन की पोलो। इसमें हमें मैनुअल पेट्रोल इंजन प्लस ऑटोमेटिक दोनों इंजन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका 1.0 लीटर का इंजन 75 BHP पावरफुल है और 95 NM टॉर्क की है। इसकी अगर माइलेज की बात की जाए मैनुअल में तो 17.75 किलोमीटर की हमें माइलेज मिलती है। साथ ही अगर इसके हमें ऑटोमेटिक की अगर बात की जाए तो इसमें हमें 18.24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर की जाती है। इसकी अगर प्राइसेस की बात की जाए तो 5.92 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 9.67 लाख रुपीज़ एक शोरूम तक इसकी प्राइसेस जाती है। इस सेगमेंट की जो आखिरी गाड़ी है वो है फोर्ड की प्री स्टाइल। इसमें हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल प्लस 1.5 लीटर का हमें डीजल इंजन मिलता है। पेट्रोल इंजन की बात की जाए 1.2 लीटर की, तो यह 95 BHP की पावर जनरेट करता है और 119 NM टॉर्क की है। इसमें जो माइलेज हमें मिलती है इस इंजन में वो 18.5 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है। अगर इसके दूसरे डीजल इंजन की बात की जाए तो यह 299 BHP पावरफुल है और 215 NM टॉर्क की है, जिसमें हमें 23.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर की जाती है। साथ ही ये 5.99 लाख रुपीज़ से लेकर 8.79 लाख रुपीज़ तक सेक्शन प्राइस जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।